الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حضرات علماء کرام मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, प्रदर्शन माँ और बहनों, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से मोमिनीन के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है और आम तौर पर तमाम कायनात के लिए रहमत है। पहली आयत करीमा जो मैंने तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पर एहसान जिताया। और सूरह अंबिया में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको तमाम कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। कोई शख्स सर उठाकर अगर इस चरखे नीली फार्म को देखे तो ये हर तरफ उसे फैला हुआ नजर आएगा। इसी तरह इस चतरे आबगू के नीचे किसी भी मकाम पर कोई शख्स किसी भी तरफ नजर उठाकर देखे तो उसे जितनी सच्चाइयां, जितनी सदाकतें, जितनी अच्छाइयां, जितने मॉरल वैल्यूज, जितनी अखलाकी कदरें नजर आएंगी, वो ये जान ले कि ये सारी की सारी चीजें हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का बिलवास्ता या बिलावास्ता नतीजा है। दुनिया के हर आदमी की सीरत
मुताले के लिए, लेकिन दुनिया की यह वाहिद हस्ती है हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आपकी सीरत सिर्फ मुताले के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए है। जिंदगी का वो कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें आपकी वाज़ह और मुफस्सल हिदायत मौजूद ना हो? समझ में नहीं आता कि मैं बात को शुरू कहां से करूं। आइए एक जगह से शुरू करते हैं। जहालत तारीकी, इल्म एक रोशनी है। दुनिया का यह वाहिद मजहब है इस्लाम, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, उसकी सबसे बेहतरीन तालीम ये जो इस हदीस के अंदर मौजूद है। हदीस इस तरह, वान अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه الطبراني في المعجم الكبير। हजरत इमाम तबरानी इस हदीस को मौजम कबीर के अंदर लाए हैं, रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सुन्नत और नफल का नहीं बल्कि फर्ज का दर्जा रखता है। यानी हर मुसलमान को चाहिए कि वो इल्म सीखे। ये सीखना सुन्नत और नफल के दर्जे में नहीं बल्कि फर्ज के दर्जे में है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिम, ये एक बहुत वाज़े और बड़ी ही शानदार तालीम। आगे बढ़ें, अखलाकी कदरों की तरफ अगर आए तो यह हदीस देखें। हदीस इस तरह, वान अबी उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु अन्न रजुलन काल या रसूल अल्लाह मा हक्कुल वालिदैन अला वलदिहिमा قال هما جنتك ونارك का उसके बेटे के ऊपर क्या हक है? तो आपने फरमाया هما جنتك ونارك, मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरे मां बाप तेरी जन्नत भी है और तेरी जहन्नम भी है। यानी अगर उनकी फरमा बरदारी करेगा तो जन्नत में जाएगा, ना फरमारी करेगा तो जहन्नम में जाएगा। एक वाज़े और बड़ी जानदार तालीम है। यूरोपियन समाज जिसे अपनी तहजीब के ऊपर बड़ा नाज है, बड़ा गर्रा है, बाप को तो ओल्ड डॉग बोलते हैं, मां को पता नहीं क्या बोलते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां बाप के बारे में इस तरीके की तालीम इरशाद फरमाई है। आगे बढ़ें तो आप देखें कि बेटियां जिन्हें आज भी महज़ब तबका, जो अपने आप को महज़ब कहता है, बेटियों को पैदाइश से पहले ही शिकमे मादर ही में मारने की कोशिश करता है, मार देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस सिलसिले में क्या तालीम दी, आइए वो हदीस देखते हैं। हदीस इस तरह, वान अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه رواه مسلم في كتاب البر والصلاة والآداب। حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البر کے اندر لائے۔ حضرت انس بن مالک اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اگر ان کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، उनके साथ हुस्न सलूक करता है, तो वो और मैं दोनों कयामत में इस तरह आएंगे। और आपने अपनी उंगलियों को मिलाकर बताया, यानी लड़कियों के बारे में, मां बाप के बारे में वो तालीम दी गई, लड़कियों के बारे में इस तरीके की तालीम दी गई। औरतें जिन्हें दुनिया का हर कानून, दुनिया का हर समाज इस्लाम से पहले एक इस्तेमाल की जाने वाली शय समझता था कि इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करके उसे फेंक दो। बाज समाजों के अंदर, बाज मुल्कों के अंदर तो बीवियों को बेचने का भी रिवाज था। जब तक इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल करो, वरना बेच दो। फिर वो दूसरे को बेच देता था, फिर वो तीसरे को बेच देता था, बच्चों तक को बीवियों के साथ बेच दिया करते थे। और ईरान के अंदर तो ये औरत साझे की हांडी थी, वो सिर्फ शौहर की मिल्कियत नहीं समझी जाती थी,
बल्कि हर एक आदमी की मिल्कियत समझी जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के जरिए औरत को यह मकाम अता फरमाया। देखिए कितने आला दर्जे की सच्चाई है और कितने आला दर्जे की कद्र है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रजी अल्लाह तआला ने से रिवायत मरवी है, जिसे हजरत इमाम इब्न माजा किताब निकाह के अंदर रिवायत रिवायत इस तरह वन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रजी अल्लाह तआला ने कहा قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم रवाह इब्न माजा फी किताब निकाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए अच्छे हैं, अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतर है। और औरत को वो मकाम दिया कि उनके साथ जोर जबरदस्ती करना, उनको मारना, उनको किसी तरीके की तकलीफ पहुंचाना तो दूर की बात है, उनके ऊपर बुरी नजर डालना भी मना कर दिया गया। यूं फरमाया गया हदीस इस तरह वान इब्ने बुरैदा अन अबीह قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة رواه ابو داؤد في كتاب النكاح। हजरत इमाम अबी दाऊद इस हदीस पाक को ऐसे किताब निकाह के अंदर लाए। हजरत इब्ने बुरैदा अपने बाप से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ऐ अली, किसी पराई औरत को एक निगाह डालने के बाद दूसरी निगाह से मत देख, दूसरी निगाह मत डाल, इसलिए कि पहली तो माफ है दूसरी माफ नहीं है, पहली तेरी है दूसरी तेरी नहीं है। देखिए ये आला कद्र है औरतों के ताल्लुक से। माँ बाप को वो दर्जा दिया, बेटियों को वो दर्जा दिया, औरत को वो दर्जा दिया। और इस हदीस पाक में तो तकद्दस की इंतहा कर दी गई है कि उसके ऊपर बुरी नजर न डाली जाए, एक नजर पड़ गई तो दूसरी नजर उसके ऊपर न डाली जाए। अल्लाह, समाज का एक इंतहाई कमजोर तबका यतीमों का तबका है, औरतों के बाद इनका हक मार लिया जाता था, जुल्मन इनका माल खा लिया जाता था। अल्लाह तबारक व तआला को डांट पिलानी पड़ी, अल्लाह तबारक ने डांट पिलाई, इन्नल लजीना याकुलून अमवाल लितामा जुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नार। जो लोग यतीमों का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं, दर हकीकत वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने डांट पिलाई ऐसे लोगों को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खास तौर से मोमिनीन के लिए एहसान और कायनात के लिए उमूमी तौर पर रहमतुल लिल आलमीन, कायनात के लिए रहमत, आपने यतीमों के बारे में ये ऐलान किया, ये इरशाद फरमाया। हदीस हदीस इस तरह वान अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अनु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره से रिवायत है अन अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अनु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له او لغيره انا وهو كهاتين في الجنه واشار مالكم بالسبابه والوسطى रवाह मुस्लिम की किताब ज़ुहद व रकाइक। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताब ज़ुहद व रकाइक के अंदर लाए, रावी हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपना यतीम यानी खानदान का यतीम, उसके खानदान का यतीम ना हो, कोई भी यतीम हो, अपने खानदान से उसका ताल्लुक हो या आपके खानदान से उसका ताल्लुक ना हो, वो किसी दूसरे खानदान से ताल्लुक रखता हो, काफिलुल यतीम लहू औ लगैरी, किसी भी यतीम की किफालत करने वाला, चाहे वो आपके खानदान का हो या आपके खानदान का ना हो, कयामत के दिन वो और मैं इस तरह होंगे और आपने अपनी उंगलियों को मिलाकर बताया और हजरत मालिक ने सब्बाबा और उस्ता के इशारे के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल को दोहराया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से इशारा फरमाया, अपनी सब्बाबा को और उस्ता को यूं मिलाया और फरमाया इस तरीके से वो जन्नत के अंदर होंगे, आना वो हुआ कहाता ही नहीं फिल जन्ना। ये एक आला दर्जे की कद्र है जो यतीमों की देखभाल और उनकी निगरानी और उनकी किफालत के ऊपर जोर देती है। मजदूर हमेशा मालिक और मजदूर की, आका और गुलाम की, सेठ की और मजदूर की आपस में चलती रहती है। कभी कभी तो कंपनियों के अंदर हड़ताल कर दिया जाता है। ऐसा क्यों, हड़ताल क्यों की जाती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह उसूल अगर पेशे नजर रखा जाता
और ये उन्वान है असर हाजिर के मसाइल का हल। अरे असर हाजिर के मसाइल का हल नहीं बल्कि कयामत तक आने वाले तमाम जमानों के मसाइल का हल अगर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के अंदर मौजूद है। तो कंपनी के मालिक और मजदूरों के दरमियान हमेशा जंग छिड़ी रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक और मजदूर दोनों के बारे में तालीम दी। हदीस हदीस इस तरह वार अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آت الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام حضرت امام ابن ماجه رحمه الله اس حدیث پاک کو اسے کتاب الأحكام کے اندر لائے اور مسند احمد کی روایت بالکل ایسے ہی ہے بالکل کوئی کم و بیشی نہیں اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے حدیث پاک کے دونوں ٹکڑوں کو اوپر غور کیجئے بڑا اچھا لگے گا آپ کو आतुल अजीरा अजरहू ये कंपनी के मालिक को आका को मालिक को यह हुक्म दिया गया कि मजदूर को उसकी मजदूरी दे दो। अच्छा कब? इससे पहले कि उसका पसीना सूखे। देखे आप पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी मजदूरी दे दो ये मालिक के बारे में आपने फरमाया। और ये जो इरशाद किया गया कि वो अपना पसीना बहाए का मतलब कि अजीर और काम करने वाला खिदमतदार कंपनी का वर्कर ये काम चोर ना हो बल्कि ये अपना पसीना बहाए। पसीना बहाने का मतलब ये है कि जो काम उसके हवाले किया गया है पूरी अमानतदारी और पूरी दयानतदारी के साथ वो काम करे। देखिए एक तरफ मालिक को हुक्म दिया गया कि वो इस तरीके से उसकी मजदूरी के अंदर कोई गड़बड़ी ना करे और दूसरी तरफ नौकर को खिदमतगार को काम चोर होने से रोका गया कि जो काम तेरे जिम्मे कर दिया गया है जो वर्क तेरे सुपुर्द है उसके अंदर बिला कमो कास्त तू अपना काम करता जा। क्या प्यारी बात है एक ही जुमले के अंदर दोनों के हुकूक को बयान कर दिया गया। आतुल अजीर अजरहू कब्ल अन यजिफ़ा रकहू मजदूर को उसकी मजदूरी दे दो इससे पहले कि उसका पसीना सूखे। इसी तरीके से ये तो कंपनियों के मालिक और उनके वर्कर्स की बात है आइए देखें घर के अंदर नौकरानियों के साथ किस तरीके का सलूक होता है। आज किसी घर के अंदर कोई नौकरानी होती है तो उसके साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है हद दर्जा उससे काम लेने की कोशिश की जाती है और तनख्वाह के नाम पर सद्दे रमक उसे दे दिया जाता है जिससे वो बिचारी जिंदा रह सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक देखिए जिसे इमाम तबरानी रहमहुल्लाह अल मौजबुल कबीर के अंदर लाए रिवायत रिवायत इस तरह वान उम्मी सलमत रजी अल्लाह ताला अन्हा कालत दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीफतन लहू फअबत अलैहि फकाल लौला मखाफतुल कवद यौमल कियामा लऔजअतुकी बिहादा सिवाक रवाहु तबरानी फिल मौजमिल कबीर। हजरत इमाम तबरानी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक कैसे मौजम कबीर के अंदर लाए राविया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत उम्मे सलमा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ने फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वसीफा यानी लौड़ी को जो घर में काम करती थी आपने आवाज दी चल इधर आ जा मुझे कोई काम है इधर आ जा। फअबतात अलैहि शौखी से आवाज सुन रही हो लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को सुनी अनसुनी कर दे रही है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है कि आवाज उस तक पहुंच रही है लेकिन शौखी से वो फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील नहीं कर रही है। फअबतात अलैहि धीरे 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 आ रही है जब पहुंची अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ जाना चाहिए ना जैसे आपको गुस्सा आ जाए कि किसी नौकर को बुलाए आप और वो आपके मिजाज के मुताबिक फौरन आपके हुक्म की तामील ना करे तो आप बिल्कुल चराग पा नहीं बल्कि सीख पा हो जाएंगे सीख पा हो जाएंगे। और जो कुछ आपकी जबान और हाथ कर पाएंगे वो आप करेंगे। ये लड़की ये लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को सुन रही है शौखी से फौरन हुक्म की तामील नहीं कर रही है आई धीरे धीरे अब तात अलैहि धीरे धीरे आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आई तो आपने क्या फरमाया अल्लाहु अकबर अब जर्री से लिखे जाने के लायक सोने के पानी से लिखे जाने के लायक लौला मखाफतुल कवद यौमिल कियामा अगर कयामत में कसास का खौफ ना होता के कहीं मुझे मुजरिम के कटारे में खड़ा कर दिया जाए मुझसे सवाल जवाब न किया जाने लगे लौला मखाफतुल कवद यौमिल कियामा कवद मींस अल कसास कवद अल कसास अगर
قیامت کے دن قصاص کا خوف نہ ہوتا کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا کہ تُو نے اپنی نوکرانی کے ساتھ یہ شدت کیوں برتی، تو اگر قصاص کا خوف نہ ہوتا تو لعو جاتو کے بحادث سواک، آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ نے فرمایا میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔ اب بتائیے ایک مسواک سے آدمی کو کتنی چوٹ لگے گی، اندازہ لگائیے آپ کیا چوٹ لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے قیامت کے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔ بتائیے مسواک سے کتنی چوٹ لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی تکلیف بھی اپنے نوکروں کو، غلاموں کو، اسی طریقے سے کام کرنے والوں کو نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ حدیث اس بات پر شاہد عدل ہے۔ تو معاملہ رہا مزدوروں کا اور خدمتگاروں کا، معاملہ رہا گھر میں نوکروں کا اور اسی طریقے سے نوکرانیوں کا، یتیموں کا معاملہ کیا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا تعلیم ہمیں دی، یہ تمام کی تمام احادیث آپ کے سامنے آ گئی۔ آگے چلیے، ایک شعبہ ہے ہمارے رہبروں کا، ہمارے نیتاؤں کا، جن کو اقتدار میں چن کر کے آپ لوگ لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ حدیث اس طرح، وعن الحسن قال عاد عبید اللہ بن زیاد ما قیل ابن یسار المزنیہ فی مرضہ الذی مات فیہ قال ماقل انی محدثک حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو علمت ان لی حیاتا ما حدثتک انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد نے ماقیب الیسار مزنی کے عیادت کی، جس مرض کے اندر ان کا انتقال ہوا اس مرض کے اندر عیادت کے لیے گئے، تو حضرت ماقیب الیسار مزنی جو صحابی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں جو میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ اب میں زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پاؤں گا تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا، اگر مجھے معلوم ہوتا کچھ اور زندہ رہوں گا تو یہ حدیث بیان نہ کرتا، لیکن اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میں جلد ہی اللہ سے ملنے والا ہوں، یہ حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ اب کہہ رہے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کہ اللہ کسی قوم کا رہبر کسی کو بنا دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رعایا کا، رعیت کا ہر طریقے سے خیال رکھے۔ رہبر بننے کے بعد، نیتا بننے کے بعد، رہبر بننے کے بعد، اس پوسٹ کو حاصل کر لینے کے بعد اگر وہ اپنی رعایا کے ساتھ غش کرتا ہے، غش بن جاتا ہے، دھوکا کرتا ہے، بولتا ہے کچھ اوٹ لینے کے وقت میں اور کرتا کچھ ہے، دکھائی نہیں دیتا 5 سال تک، اور جو مراعات رعایا کو دینا چاہیے اس پوسٹ کے اوپر سے وہ دے سکتا ہے مگر دیتا نہیں ہے، وہ غاش لرعیتہ، لاکھوں روپے آتے ہیں تھوڑا سا بھیک کے طور پر دے دیتا ہے، بکیا سب کھا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ غاش لرعیتہ، اپنی رعایا کے لیے وہ خائن ہوتا ہے، دھوکا دینے والا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے، ما من عبد، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیز تو کافروں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، کہ ان کے لیے جنت حرام کر دی گئی، لیکن یہ اتنا برا فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی پوسٹ عطا فرمائے اور اس پوسٹ کے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کا خیال نہ کرے، خیانت کرے، خیانت کا ارتکاب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ تو معاملہ ہوا پوسٹ اور اقتدار پانے والوں کا، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک آپ دیکھ رہے ہیں۔
कि जिंदगी का वो कौन सा ऐसा शोभा है जिस शोभे के अंदर आपकी रहनुमाई मौजूद ना हो। आज इस इसको देख लीजिए, आईएस आईएस आज उनसे पूरे आलम इस्लाम को कितनी तकलीफ पहुंच रही है। मर मुसलमान रहे हैं और मारने वाले ये नाम नेहाद मुसलमान, लाखों लोग घर से बेघर हो चुके हैं। क्या उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मौजूद नहीं है? हदीस देखिए, हदीस इस तरह, वन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु कॉल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل رواه البخاري في كتاب احاديث الانبياء। حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب احادیث الانبیاء کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا कि किसी आदमी को नाहक अगर कत्ल कर दिया जाए तो कत्ल करने वाले के एक गुनाह का हिस्सा आदम के पहले बेटे के ऊपर पड़ता रहेगा, उसके खून के एक हिस्से का अजाब उसके ऊपर होता रहेगा। क्यों? लिअन्नहु अव्वलु मन सन्नल कत्ला, इसलिए कि उसने कत्ल की सुन्नत ईजाद की, कत्ल का तरीका ईजाद किया, सबसे पहला कातिल वही था। अब बताइए अगर कत्ल की कोई सुन्नत ईजाद कर ले तो जितने भी नाहक मक्तूलीन रहेंगे उनके कत्ल का गुनाहों का एक हिस्सा आदम के पहले बेटे काबिल के ऊपर रखा जाता रहेगा। ये जुल्मन कत्ल की कबाहत और शनात को वाजे करता है और बतलाता है। और कुरान हकीम में तो कह दिया गया मिन अजलि ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا, एक आदमी का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एहतराम जान का जो तसव्वुर इस्लाम में पाया जाता है किसी भी मजहब के अंदर एहतराम जान का वो तसव्वुर नहीं पाया जाता कि एक आदमी का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल हो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसिस का ये फेल ये जायज हो सकता है? इसलिए कि उनका ये फेल तो इस हदीस पाक और आयत करीमा के बिल्कुल खिलाफ है। ये कौन लोग हैं समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं। अच्छा वो एबीपी कोई न्यूज चैनल है, उसके अंदर कुछ उलमा को, कुछ मुल्ला लोगों को बुला करके और कुछ दूसरे लोगों को, हर फिरके के लोगों को बुला करके कुछ सवालात जवाब किए गए। उसमें एक शख्स ने बड़ा अजीबोगरीब सवाल किया। मैं गौर से वो चैनल देखता रहा, सवाल जवाब देखता रहा, लेकिन मैंने ये देखा कि कोई उस सवाल का जवाब देने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। शायद सवाल करने वाली जो लड़की है वो जवाब सही से लेना नहीं चाह रही है, दुनिया तक पहुंचाना नहीं चाह रही है, या जो वहां लोग मौजूद हैं उस सवाल का जवाब उनके जहन में नहीं है कि कुरान और हदीस से उसका जवाब दे सकें। उसने ये पूछा कि ये जो इसिस हैं ये लोग खिलाफत के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा तो खिलाफत इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है? देखो बात को कैसा घुमाकर बयान किया गया है, यानी खिलाफत इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है। अगर खिलाफत इस्लाम का हिस्सा है तो उनकी ये कोशिश जो खिलाफत के लिए हो रही है वो इस्लाम की कोशिश है और इस्लाम इस तरीके की तालीम दे रहा है। अफसोस कि उस सवाल का जवाब वहां मौजूद कोई मुल्ला कोई मौलवी देने के लिए आगे नहीं बढ़ा। मुझे बड़ी हैरत हुई, काश वो कुरान की आयत पढ़ते कि हमेशा इस्तिखलाफ फिल अर्द की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है, इंसान की तरफ नहीं की है। अल्लाह ने फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह का ये वादा है तुमसे कि अगर तुम ईमान लाओगे और अच्छे अमल करोगे तो अल्लाह ऐसे लोगों को उनको इस्तिखलाफ फिल अर्द अता करेगा। देखिए लयस्तखलिफन्न में जो हुआ की जमीर है वो राजे है अल्लाह की तरफ, यानी इस्तिखलाफ फिल अर्द की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है
और इस आयत करीमा के अंदर यह बताया गया कि खिलाफत मौजूद है, मकसूद नहीं है, यह अल्लाह का इनाम है। मैं एक मिसाल से समझाता हूं। बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं क्लासेस में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। अब बताइए, बच्चा उन सब्जेक्ट्स को इसलिए पढ़ता है ताकि उस सब्जेक्ट के ताल्लुक से नॉलेज हासिल करे। इसी मकसद के तहत आप लोग भेजते ना बच्चों को, और बच्चा इसीलिए जाता है। फिजिक्स अगर सब्जेक्ट है, फिजिक्स के अंदर महारत हासिल करने की कोशिश करता है। मैथ अगर सब्जेक्ट है तो मैथ के अंदर महारत हासिल करने की कोशिश करता है। लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के अंदर महारत हासिल करने की कोशिश करता है। तो उसका पूरा का पूरा टारगेट जो ये होता है वो ये कि सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल करे। अब अगर वो महारत हासिल कर लेता है और स्कूल वाले अगर कुछ इनाम दे देते हैं तो बताइए इस सब्जेक्ट से, इस क्लास से उस इनाम का क्या ताल्लुक है? अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाफत को मौऊद कहा है कि ये मेरा इनाम है, मैं चाहूं तो दे दूं। असल चीज है कि आदमी ईमान लाए और अमल सवाले करे। अल्लाह ने एक जगह इरशाद फरमा, वहां भी जमीर मुतकल्लिम अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल फरमाई, अल्लज़ीन इम्मकन्नाहुम फिल अर्ध, अगर हम उनको जमीन में तमकीन दे दे। यहां देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाफत की निस्बत अपनी तरफ फरमाई है कि अगर हम उनको जमीन में तमकीन दे, खिलाफत दे, तो ऐसा ऐसा उन्हें करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कभी यह नहीं कहा कि तलवार उठाइए और खिलाफत कायम कीजिए। कुरान में और हदीस में कहीं ये नहीं कहा गया कि आप तलवार उठाइए, बम लेकर के आप कूद पड़िए कहीं जाकर के और बेगुनाहों को मारिए। कहीं इस बात की तालीम कुरान हकीम ने नहीं दी है। और तलवार उठा करके जबरदस्ती खिलाफत कायम करना, यह कहां है? यह ना तो कुरान में ना हदीस के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाफत की निस्बत अपनी तरफ फरमाई है कि वो चाहे तो इनाम में दे दे। असल चीज, मकसूद चीज ईमान बिल्ला है और अमले सवाले। इस सवाल का जवाब वहां नहीं दिया जा सका और मुझे बड़ी हैरत हुई, बयान करना चाहिए था। तो एहतराम जान का जो तस्वुर इस्लाम के अंदर मौजूद है वो कहीं मौजूद नहीं है किसी भी मजहब के अंदर, कि एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाए। ये तो एहतराम जान का मामला है। एहतराम आदमियत एक है, एहतराम जान एक अलग चीज है, एक है एहतराम आदमियत। आदमी कोई भी हो उसका एहतराम कितना है इस्लाम के अंदर, आइए देखते हैं। हदीस हदीस इस तरह, वान इब्न अबी लैला अन्न कैस इब्न साद व सहल इब्न हुनैफ رضي الله تعالى عنهما كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقاما فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا रवाहु मुस्लिम की किताबुल कुसूफ। हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह इस पूरी हदीस को ऐसे किताबुल कुसूफ के अंदर लाए। हजरत इब्ने अबी लैला बयान करते हैं कि दो सहाबा हजरत कैस इब्ने साद और इसी तरीके से हजरत सहल इब्ने हुनैफ, ये दोनों के दोनों मकाम कादिसिया में मौजूद थे। अचानक एक जनाजा उधर से गुजरा, वो यहूदी का जनाजा था, किसी काफिर का जनाजा था, और ये दोनों खड़े हो गए जनाजे को देख करके। तो लोगों ने उनसे कहा, अरे वो तो यहां के रहने वाले लोग हैं, काफी लोग इनामी नाहिल और इधर ही गए, वो आप क्यों खड़े हो गए? इन दोनों ने हदीस बयान की, हम खड़े क्यों हुए? दोनों ने कहा इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रत भी जनाजतुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, एक जनाजा गुजरा, आप खड़े हो गए। फकील लहू, फकील आपसे कहा गया, अरे अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, आप खड़े हो गए इस जनाजे को देख करके, ये तो एक यहूदी का जनाजा है। इन्नहु यहूदीयुन, और आपको मालूम है कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को यह मालूम है, और कुरान हकीम वो पढ़ते थे, जानते थे कि दुनिया में जहां भी कहीं कोई फितना रूनमा होता है आज भी उसके पीछे इनमें से किसी न किसी का हाथ होता है। अल्लाह ने फरमाया, वो तो कही अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है ये कि कुल्लमा औकदू नारन लिल हर्ब, आपको मालूम है, पानी दीजिए थोड़ा सा कोई, जी यहां रखिए, जी देखो, एक कुल्लमा है, एक एदा है, मालूम है एदा और कुल्लमा में फर्क समझते हैं? एदा और कुल्लमा में आपको अगर तफसीरी नुक्ता समझना है, कुरान पढ़िए, देखो सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया कुल्लमा अज़ा अलहुम मशौफी, जब जब उनके लिए रोशनी होती है तब तक उन रोशनी में चलते हैं,
रोशनी का तस्करा है तो कुल्लमा, जब जब ऐसा होता है। अच्छा, वइदा अज़लमा अलैहिम क़ामू, और जब तारीकी की बात आई तो एदा का इस्तेमाल किया गया, कुल्लमा नहीं कहा गया। जब जब रोशनी होती है तो उसमें चलते हैं, और जब तारीकी होती है तो खड़े हो जाते। इसका मतलब रोशनी अब तब अब तब, अभी रोशनी आई फिर चली गई, फिर रोशनी आई फिर रोशनी आई फिर रोशनी आई, रोशनी चेंज होती रहती है, तारीकी तो एक है। इस वजह से तारीकी के लिए एदा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और कुल और रोशनी के लिए कुल्लमा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया गया। यहां वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कुल्लमा औकदू नार लिलहर्बी अतफाउल्ला, जब जब, यानी ये एक ही मर्तबा ये फसाद फैलाने पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि इनकी पूरी लॉबी पूरी दुनिया के अंदर फसाद फैलाने के दर पर रहती है, आमादा रहती है कि किस जगह क्या किया जाए कि पूरा अमन आलम गारत होकर रह जाए और लोगों का अमन सुकून ताराज हो जाए, ये ऐसा करते रहते हैं। तो अल्लाह की रहमत को बुझा देता है, वरना ये चाहे तो ये दुनिया को डायनामाइट के ऊपर रख दे और पूरी दुनिया को एक साथ उड़ा दे। कुल्लमा औकदू नारा लिलहर्ब अतफाहल्लाह, जब जब अल्लाह, जब जब इजा नहीं कहा गया, जब जब, इसका मतलब इसके अंदर तनव्वो होता रहता है, यानी इनकी साजिश के अंदर तनव्वो, साजिश के जो तरीके होते हैं उसके अंदर तनव्वो, इसी तरीके से जगहों के अंदर तनव्वो। अरे कुल्लमा के मफहूम को मफाद को फैला लो तो पता ये चल, मेरे पास अल्फाज नहीं है कुल्लमा की वजाहत करने के लिए। कुल्लमा औकदू नार लिलहर्ब अतफाउल्लाह, जब जब ये लड़ाई की आग भड़काते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस आग को बुझा देता है, वरना इनकी तो कोशिश ये होती है कि पूरी दुनिया को ये बारूद के ऊपर रख दे और एक साथ उड़ा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वो जनादा गुजरा, आप खड़े हो गए, लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये यहूदी का जनादा है, इस्लाम के दुश्मनों में जो सफे अव्वल हैं उन लोगों में से एक फर्द का ये जनादा है, और आप खड़े हो गए। आपने फरमाया अलैसत नफ्सन, क्या ये जान नहीं है, क्या ये आदमी नहीं है। आप देख रहे हैं जान का एहतराम ऐसा कि एक जान पूरी कायनात के जानों के बराबर, एक मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन और फसाद इन फिलहाल फकान नमा कतल ना से जमिया, एक इंसान का नाहक कत्ल, एक जान को नाहक जाय करना पूरी इंसानियत की जानों का जाय करना है। और एहतराम आदमियत देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कट्टर दुश्मनों के जनादे को देख करके आप खड़े हो जाते, ये एहतराम आदमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतराम जान की अहमियत भी बताई और इसी तरीके से एहतराम आदमियत भी बताया। मैं कहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जो दो बातें इरशाद फरमाई है, मेरा ख्याल ये है कि किसी मजहब के अंदर इतनी फराख दिली और इतनी कुशादा दिली के साथ इन उसूलों को पेश नहीं किया गया कि अपने मुखालिफीन के साथ इस तरीके के और कट्टर दुश्मनों के साथ इस तरीके का सलूक हो। एक बात ठहर कर यहां और बता दूं कि मीडिया इस सिलसिले में बड़ा अजीब व गरीब किरदार अदा करती है। मीडिया को भी समझाया गया, देखो इन हदीसों की तरफ लोगों की जहन, लोगों के ख्यालात और लोगों की फिक्र नहीं जाती है। मैं चाहता हूं उस हदीस को आपके सामने बयान कर दूं, मीडिया से मुताल्लिक एक हदीस कि इनको कैसे रहना चाहिए, इनको कैसे रहना चाहिए। आइए वो हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبزة قيل وما الرويبزة قال الرجل التافه في امر العامه رواه ابن ماجه في كتاب الفتن حضرت امام ابن ماجه رحمه الله اس پوری حدیث کو ایسی کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں ابن ماجه شریف میں اب سنو اس حدیث کو میڈیا سے متعلق کر لیجئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تمہارے اوپر लोगों के ऊपर धोखा देने वाले मकरो फरेब से भरे साल आने वाले हैं।
मकरो फरेब से भरे साल आने वाले हैं, और मकरो फरेब की कैफियत क्या होगी, धोखे की कैफियत क्या होगी, किस तरीके से धोखा दिया जाएगा लोगों के अफकार को, लोगों के अजहान को, लोगों के उनको, लोगों के जज्बात को किस तरीके से धोखे में मुब्तला किया जाएगा। खद्दा आद का लफ्ज भी बड़ा अजीब गरीब है। ये खद्दा जो है ये खादे का इसमें मुबालगा है। यूं कहा जा सकता था सनवातुन खादियातुन, बात बन जाती थी, लेकिन नहीं, मुबारके का सेगा इस्तेमाल किया गया। सयाती अलन्नास सनवातुन खद्दाआतुन, बरवदन गफ्फार, बरवदन फआल, फर्क लाया गया। बहुत ज्यादा मकरो फरेब फैलाने वाले के उससे मुतासिर हो जाएं लोगों के अफकार, उससे मुतासिर हो जाएं लोगों के अजहान, उनके उनसे मुतासिर हो जाएं लोगों के कुलूब, उनसे मुतासिर हो जाएं लोगों के जज्बात, से मुतासिर हो जाएं लोगों की अकलें। बहुत ज्यादा धोखा देने वाले साल, बहुत ज्यादा मकर फरेब देने वाले साल आने वाले, कैसा हो जाएगा? युसद्दकु फीह अल्काज़िबु, सच जो रहेगा सच को झूठ बनाकर दिखाएंगे जी, ऐसा तर्जुमा कर ले साफ, और झूठ को सच बना करके दिखाया जाएगा। युसद्दकु फीह अल्काज़िबु व युकज़्ज़बु फीह अस्सादिकु, झूठ को सच करके दिखाया जाएगा और सच को झूठ करके दिखाया जाएगा। जाहिर है कि झूठ को सच करने के लिए, सच को झूठ बनाने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत होती है, बहुत दिमाग की, और उसके लिए बाकायदा बहुत सारे अफकार लगते हैं, गौर फिक्र के लिए बैठते हैं। अल्लाह अकबर, हदीस विजदान महक उठता है कि किन किन शोबों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है कि हम असर हाजिर के, जिस असर में हम रह रहे हैं, उनके मसाइल को किस तरीके से हल करें, कैसे हम समझें। मीडिया का यह किरदार के झूठ को सच करके दिखाना, सच को झूठ करके दिखाना, आज इस्लाम को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, जबकि इस्लाम के बारे में, अभी इस हदीस पर ठहर जाइए, इस हदीस पर ठहर जाइए, मैं जरा इस्लाम के बारे में चंद बातें बता दूं ताकि यह हदीस अच्छी तरह वादे हो जाए। आइए अलग तरतीब दो हदीसें आपके सामने पेश करता हूं। पहली हदीस, हदीस इस तरह, वान अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदिही वल मुमिनु मन अमिनहु नासु अला अमवालिहिम अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, रवाहुन नसई फी किताबिल ईमान व शराइह। हजरत इमाम नसई रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल ईमान व शराइह के अंदर लाए हैं, और रावी हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान कौन, डिफिनेशन देखो मुसलमान की, अल मुस्लिमु मन सलीम अन्नासु, यहां मन सलीम अल मुस्लिम नहीं है, अन्नास आम है, जिससे तमाम लोग महफूज रहे उसकी जबान से और उसके हाथ से। अगर ये बम फोड़ दे रहे हैं पेरिस के अंदर, पता नहीं ये कौन है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये। अगर ये इस्लाम के नाम पर किया जा रहा है तो इस्लाम से उनके इस फेल का कोई ताल्लुक नहीं, मैं साफ कह देता हूं, और इस फेल की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं। मारे जाने वाले सब बेगुनाह जी, मैं ये कहता हूं कि इस्लाम से इन चीजों का क्या ताल्लुक है। अल मुस्लिम मन सलीम अन्नास मिन लिसानिही व यदिही, आदमी के हाथ और जबान से तमाम लोग महफूज रहे, और मोमिन वो है, कहते हैं हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले। वल मोमिन, मोमिन की डिफिनेशन ये की गई, वल मोमिन मन अमिनहु नास वला दिमाइहिम व अमवालिहिम, और मोमिन वो है जिससे लोगों का खून महफूज रहे और उनके माल महफूज रहे। लाखों लोग सीरिया से, लाखों लोग बगदाद से, लाखों लोग आसपास के इलाकों से भाग भाग करके, खाने को नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, सही तरीके से उनकी खबरें हम तक पहुंच नहीं पा रही है कि किस तरीके से दूध से महरूम बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे हैं, भागने वालों के पैरों में छाले हैं, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है,
उनका खून महफूज नहीं है, उनका माल महफूज नहीं, अपने घरों से निकल पड़े हैं वो। ये कैसे मोमिन है, ये कैसे मुसलमान है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से मुसलमान महफूज, जिसके मुसलमान भी महफूज रहे, तमाम लोग महफूज रहे, और मोमिन वो है जिससे दुनिया के तमाम इंसान अपने खून के ताल्लुक से और अपने माल के ताल्लुक से महफूज रहे। क्या आज इनाम निहाद मुसलमानों की वजह से मुसलमानों का या लोगों का खून महफूज है? कतई नहीं। उनके माल महफूज है? कतई नहीं। तो ये है मुस्लिम और मोमिन की तारीफ। अच्छा, अब जी चाहता है, कहते हैं कि तशद्दुद, बाल्फाज दीगर, उसको हम दहशतगर्दी ले लें या इसी तरीके से हम आतंकवाद कह लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अहिंसा का पाठ गांधी जी ने पढ़ाया। मैं ये कहता हूं ना कि जैसे इस चतरे आबगू के नीचे जिस तरफ भी आप निगाह डालें कोई भी अच्छी चीज नजर आएगी, तो दर हकीकत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का, तालीमात का कोई ना कोई अक्स होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले उसी वक्त इरशाद फरमा दिया था कि तशद्दुद की कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं। दलील यह हदीस पाक, वान आयशा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم في كتاب البر والصله والاداب। حضرت امام مسلم رحمه الله اس پوری حدیث کو ایسے کتاب البر والصله والاداب کے اندر لائے راویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिताब करके फरमाया, या आयशा तू पूरी तरह मुतवज्जो होकर सुन ले, इन्नल्लाह रफीक, अल्लाह नर्म है, युहिब्बुर रिफ, नर्म का मतलब ही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला इनफियाल से मौसूफ है, इनफियाल से मुतसिफ है। ये नरमी पता नहीं किस दर्जे की है कि न जाने इसकी कैफियत क्या है, अल कैफ मजहूल जी। तो इन्नल्लाह रफीक, अल्लाह नर्म है, युहिब्बुर रिफका, और नरमी से मोहब्बत करता है, नरमी को पसंद करता है। अब देखिए, नरमी के मुकाबले में तशद्दुद आया। वयूती अलल उन्फ माला यू वयूती अलल रिफ्क माला यूती अलल उन्फ, और नरमी पर ऐसी ऐसी चीजें देता है जो तशद्दुद के ऊपर नहीं देता, वो माला यूती अला मासिवा, और नरमी के अलावा कोई भी रवैया आप इख्तियार करें उन पर ऐसी चीजें नहीं देता जो अल्लाह नरमी के ऊपर देता है। अब देखिए, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी ये रिवायत हमें ये बता रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नरमी इख्तियार करने के लिए कहा है कि हम जिंदगी के तमाम मामलात के अंदर नरमी इख्तियार करें, हम कभी भी तशद्दुद की तरफ ना जाएं, हिंसा की तरफ ना जाएं, इसलिए कि उन्फ का, तशद्दुद का, दहशतगर्दी का और सख्ती का इस्लाम में कोई भी जगह नहीं है और इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं। अब आपने देख लिया मोमिन किसको बोलते हैं, मुस्लिम किसको बोलते हैं, और हजरत आयशा से मरवी है रिवायत तशद्दुद और दहशतगर्दी की किस तरीके से तर्दीद करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशद्दुद से दूर रहने के लिए कहा। हर जगह आपने नरमी इख्तियार करने के लिए कहा कि नरमी से वो चीज हासिल हो जाती है जो तशद्दुद से हासिल नहीं होती। अच्छा, एक बात यह कही गई कि भाई एक चीज है दहशतगर्दी से किस तरह निमटा जाए, सवाल हो रहा है कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, दहशतगर्दी से किस तरह निमटा जाए कोई जवाब नहीं दे पा रहा। एबीपी में देख रहा हूं, अरे अल्लाह के बंदो, हदीस पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, टोपियां लगा ली और पता नहीं किस किस तरीके से जवाब उल्टे पलटे दे रहे। एक तो मसला यह है कि भाई दहशतगर्दी जब वजूद में आ जाए तो क्या किया जाए, हदीस ने बताया कि क्या किया जाए, और फिर कौन सा ऐसा काम किया जाए कि सिरे से आतंकवाद पैदा ही ना हो। ये दोनों दो चीजें हैं, तो दोनों काम कीजिए ना। अब आइए पढ़ लेते हैं कि दहशतगर्दी अगर वजूद में आ जाए तो क्या किया जाए। दलील ये हदीस पाक, वान अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق يديه رواه مسلم في كتاب المظالم। حضرت امام بخاری رحمه الله
حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب المظالم کے اندر ایسے ہی لائے, راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس, بہت پیاری حدیث ہے, حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے, ہر ایک اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرے اور اپنے مظلوم بھائی کی بھی مدد کرے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ مظلوم کی کس طرح مدد کی جائے. ارے بھائی اس کا کچھ نقصان ہو گیا, چلو اس کی بھرپائی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, کہیں کوئی زخم وخم ہو گیا, چلو ایڈمٹ کر دیتے ہیں, پیسہ نہیں ہے پیسہ دے دیتے ہیں. ہذا ننصرہ مظلومن, یہ تو بات معلوم ہوئی کہ ہم مظلوم کی مدد کیسے کریں. فکیف ننصرہ ظالمن, یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ ظالم کی مدد کیسے کریں. مظلوم کی نصرت تو سمجھ میں آتی ہے مگر ظالم کی نصرت سمجھ میں نہیں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی نصرت یہ ہے کہ تاخذ فوقہ, اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے. اب ظاہر ہے کہ آتنکواد سے نمٹنے کے لیے قوت کا استعمال ہو, پاور کا استعمال کیا جائے, روک دیا جائے, قطع نہیں ہونا چاہیے ایسا. تاخذ فوقہ یہ تشدد سے, دہشت گردی سے نمٹنے کا طریقہ اس حدیث پاک میں بتایا گیا. اچھا کون سا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ سرے سے دہشت گردی پیدا ہی نہ ہو. آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی مکارم الاخلاق فی الدنیا والآخرہ, قالوا بلا یا رسول اللہ, قال سل من قطعک وآط من حرمک واف عمن ظلمت, رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی شعب الایمان کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے کہا, کیا میں تمہیں بتانا دوں کہ اخلاق کریمانہ کیا ہوتے ہیں, مکارم اخلاق کس کو کہتے ہیں, وہ میں بتا دیتا ہوں. تو ہم کو اپنے اخلاق پیش کر. یہاں ٹھہر کر اس حدیث پر میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں, بہت پیارا واقعہ, لے کر جاؤ. حضرت سید سلیمان ندوی اور روندر ناتھ ٹیگور, یہ دونوں ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں. روندر ناتھ ٹیگور, گیتانجلی پڑھی آپ نے؟ گیتانجلی میں نے انگریزی میں پڑھی ہے اور اس کا جو اردو میں ٹرانسلیشن ہے, نثر بھی پڑھی اور منصور بھی پڑھا ہے, منظوم بھی پڑھا ہے, دونوں پڑھا ہے, اور اوریجنل کتاب بھی میں نے پڑھی گیتانجلی. جی تو یہ حضرت سید سلیمان ندوی اور روندر ناتھ ٹیگور دونوں ایک ٹرین سے جا رہے ہیں. ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی, ایک آدمی جلدی جلدی آیا, السلام علیکم, حضرت ایک سوال کرنا ہے. جی پوچھو. کہا کہ پہلے اس سے پہلے خاصہ خیر القرون میں اسلام کے بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ رفتار کیوں نہیں دکھائی دے رہی, ٹھپ پڑ گئی ہے. اسلام کی اشاعت کا جو معاملہ تھا وہ ٹھپ پڑ گیا ہے. پہلے جس رفتار سے اسلام بڑھ رہا تھا, یہ اسلام کے بڑھنے اور اس کی اشاعت کا جو معاملہ ہے یہ ٹھپ کیسے پڑ گیا؟ جی ٹھپ کیسے پڑا؟ سید سلیمان ندوی نے روندر ناتھ ٹیگور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جناب آپ اس سوال کا جواب مرحمت فرمائیں, آپ اس سوال کا جواب دیں کہ اسلام کے بڑھنے کی رفتار جو پہلے تھی اب اس کا معاملہ بڑھنے کا جو ٹھپ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے. روندر ناتھ ٹیگور نے ایسا جملہ کہا جو دریا میں کوزے کے بند کرنے کے مرادف ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتب خانوں کا رخ نہیں کرنا پڑتا تھا, اب اسلام کو جاننے کے لیے لوگوں کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور کتب خانوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے. بہت ہی دردناک تبصرہ ہے اور ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ ایک غیر مسلم مفکر یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے ٹھپ پڑنے, اسلام کے بڑھنے اور اس کی رفتار کے رک جانے اور ٹھپ پڑنے کا جو ریزن ہے, جو سبب ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے, اب مسلمانوں کے اندر وہ عالی صفات ہے ہی نہیں, اخلاق سے بالکل گئے گزرے, بالکل کورے ہیں, بالکل کورے ہیں. ان کی زندگی کا ہر پہلو دیکھا جائے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, یہ معاملہ ہے. ان کے اندر کوئی عالی صفت ہے ہی نہیں. پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے, بڑھنے کی رفتار بہت تیز تھی,
हर आदमी तो कुतुब खाने में नहीं जा सकता, हर आदमी तो किताब की इस्लाम की स्टडी नहीं कर सकता, कुतुब खानों में नहीं जा सकता। मुसलमानों को देख करके, उनके आली सिफात को देख करके लोग इस्लाम ले आया करते थे, अब कुतुब खानों में जाकर के इस्लाम को पढ़ना पड़ रहा है। हम लोगों ने गैर मुस्लिमों को मजबूर कर दिया है कि वो लोग कुतुब खानों में जाकर के इस्लाम को पढ़े। अब न जाने एक इस्लाम को पढ़ रहा है और दूसरा उसके जहन में दूसरी बातें जो इस्लाम के मुखालिफ है वो घुसा दे रहा है। अब इस तरीके से पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जा रहा है इस्लाम के ताल्लुक से, इसलिए कि मानने वालों को देख रहा है कि वो किस तरीके के लोग हैं। बहुत ही प्यारा जवाब है, आप जर्री से लिखे जाने के लायक। अल्लाह अकबर। अब आइए इस हदीस पाक के ऊपर, आपने फरमाया अला अदुल्लुकुम अला मकारिमिल अखलाक फिद दुनिया वल आखिरा, अखलाक करीमाना ना बता दूं कि जहां तुम रह रहे हो, सिल मन कता जो तुम्हें काटे उसे जुड़ो, वह आत मन हरमक जो तुम्हें महरूम करे उसे दो, वाफ अमन जालमक अगर कोई तुम पर जुल्म कर रहा है तो माफ कर दो। ये रहो दरमियान में लोगों के, इन तीन चीजों को ऊपर अमल करो, दहशतगर्दी नहीं होगी जी। सिल मन कतात वात मन हरमक वाफ अमन जालमक, ये तीन बातें हैं, तीनों को ऊपर अमल कर लो, दहशतगर्दी खत्म हो जाती। इसलिए तमाम फिरके के लोगों को, तमाम मजहब के लोगों को ये तालीम दी गई है कि ऐसा बर्ताव अगर करे, और खासतौर से मुसलमान, तो उनके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल ना लगे, इस्लाम उनकी वजह से बदनाम ना हो, वगैरह वगैरह। अब आइए उस हदीस पाक की तरफ के बहुत सारे धोखा देने वाले, बहुत ज्यादा मकरो फरेब देने वाले साल आएंगे, सच को झूठा, झूठे को सच बनाकर दिखाया जाएगा, जो अमानतदार रहेंगे उनको खाइन साबित किया जाएगा, जो खाइन होंगे उनको अमीन साबित किया जाएगा, यह मामला हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मीडिया का यही तो काम है। अब उसमें दो बातें कहेंगे, मीडिया को ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मीडिया ऐसा कर रही तो गलत है, दोनों बातें हो गई ना। और आखिर में यह बताया गया, यह फरमाया गया कि मामला ऐसा होगा कि यंतिकुफिया रुवैबिज़ा लोगों के मामले में बात करेगा। बोले रुवैबिज़ा, रुवैबिज़ा किसे कहते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुवैबिज़ा की तारीफ फरमाई। रुवैबिज़ा किसको बोलते? अर्रजुल ताफ़ी फी अम्रिल अम्मा, अयंतिकु अर्रजुल ताफ़ी फी अम्रिल अम्मा, के लोगों के मामले में एक रजुल ताफे गुफ्तगू करेगा। शेख अरशद बशीर अल-मदनी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जुड़े रहते हैं, बातचीत चलती रहती है, इल्मी गुफ्तगू मालेगांव से यहाँ से भी कहीं पहुँचते हैं हम लोग, लगे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत से मैंने पूछा कि शेख इस सिलसिले में रुवैबिज़ा के ताल्लुक से आप कुछ इरशाद फरमाएं। शेख ने बहुत प्यारी बात कही सवाल अल-फौदान के हवाले से। उन्होंने कहा कि शेख अरशद बशीर अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने कहा कि अर-रुवैबिज़ा की जो तफसीर की है शेख सवाल अल-फौदान ने, कहा कि जो रासिख फिल इल्म नहीं है, That is called रोएबेदा, और रजुलताफ है, बेकार किस्म का नाम, तो भामटा भामटा हमारे यहां बोलते उसको भामटा भामटा जी, तो ये भामटा आदमी और रजुलताफ है, रजील बेकार रासिख फिल इल्म जो नहीं होगा वो लोगों के मामलात में बात करेगा। अब जाहिर है इल्म है ही नहीं, रसूख फिल इल्म है ही नहीं, बात करेगा तो गड़बड़ बात करेगा, मामला सुलझने के बजाय उलझ जाएगा। कितनी प्यारी बात कही गई है। ऐसे ही मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो जानबूझ करके इस तरीके से रोए बेदा पूरे के पूरे बैठे हुए हैं, अल्लाह इनके ऊपर रहम करे जी। अर रजुल ताफ फी अमरिल अम्मा, मैंने देखा मनाजिर देखे है, मनाजिर देखे मैंने जी। तो ये मीडिया के हवाले से ये बात कही गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के तमाम शोबों में हमारी रहनुमाई कर दी है, हमारा सियासी मामला। अच्छा एक बात और, आप देखें कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कारनामा है कि मखलूक परस्ती के बजाय आपने खुदा परस्ती का अलम बुलंद फरमाया कि इबादत होनी चाहिए तो सिर्फ अल्लाह की। लोग तवहुमात में फंसे हुए थे, आज भी कितने लोग हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए क्या होता है, वो कौवे मामू वो बोल रहे हैं मुडेर के ऊपर, तो अब कोई मेहमान आने वाला है फला साहब ऐसे। मैं कहता हूं बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो कुछ अनहोनी हो जाती है, कुत्ता रास्ता काट जाए तो क्या होता है, वो मेरी समझ में नहीं। अरे भाई बिल्ली को इधर से उधर जाना है, वो इधर से उधर ही जाएगी, ऊपर से थोड़ी जाएगी, कूद करके जाएगी, हवा में उड़ करके थोड़ी जाएगी है, वो बिल्ली को जाना ही उस तरफ से उस तरफ जाना है, अब बिल्ली रास्ता काट के खड़े अल्लाह। और ये सारी बातें मैं जो हदीस पढ़ने जा रहा हूँ सारी बातें मौजूद, आइए वो हदीस पहले पढ़ लेते। पहले ये बता दें कि एक बड़ा तमाम उसूर का मुसलमानों के सामने ये रहा है कि इनके अंदर ये चार बातें मौजूद रही हैं। आइए वो हदीस पढ़ लेते पहले, हदीस हदीस इस तरह वान अबी मालिक अल अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल अरबउ मिनल जाहिलियत ला युतरकुन عن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع من الجاهليه لا يتركن
الفخر في الاحساب والتان في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليه سربال من قطران اور درع من جرب رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے راوی حضرت ابو مالک اشعری حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار جاہلیت کی باتیں میری امت نہیں چھوڑے گی یہ جاہلی امور ہے پہلی چیز الفخر فی الاحساب ہمارے باپ دادا ایسے تھے ویسے تھے ڈبل پیسے تھے یہ تھے ہم ہیں تم ہو الفخر فی الاحساب ہم ہیں تم میں ہوں تو ہے بولتے یہ ہے میں اور تو کا مفہوم الفخر فی الاحساب ہم الفخر فی الاحساب ہمارے باپ دادا ایسے ارے تمہارے باپ دادا کیسے تھے تو اپنے باپ دادا کی خوبیاں بیان کرنا خوبیاں بیان کرنا دیٹ از کالڈ الفخر فی الاحساب اچھا والتان فی الانساب یہ جلاہا ہے یہ انصاری ہے یہ خان ہے اور بعض لوگوں نے تو کہا فرعونیوں کی طرح کہ یہ رامسیس نے سوریہ ونشی ہے یہ رامسیس کا مطلب را نے جس کو چھو لیا را نے جس کو مس سے پیدا ہو گیا را کے مس سے را مانے سورج تو را کے مس سے جو پیدا ہو گیا بے نہیں ہوئے تر جو سوریہ ونشی کا یعنی یہ عام انسانوں سے بالکل بلند ہیں اب آپ دیکھیے یہ سارے کے سارے امراض موجود نہیں تھے ہندوستان میں جن بادشاہوں نے حکومت کی ہے ان کو ذل الہی کہا جاتا تھا ہٹو بچو ذل الہی کی سواری آ رہی ہے الفخر فی الاحساب والتان فی الانساب ہم بادشاہ کے خاندان کے ہیں اور انساب کا مطلب دوسرے کے نسب کے اندر کیڑے نکالنا یہ فلاں ہے یہ فلاں خاندان کا یہ فلاں یہ اس سے نیچا ہے یہ اس سے اونچا ہے یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں اچھا اور یہ وجہ آپ دیکھیں گے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے ہم چلتے ہیں بنو امیہ کی طرف بنو امیہ کی 50 سالہ حکومت ختم ہوئی کن لوگوں نے ختم کیا علویوں نے اور عباسیوں نے مل کر کے ہم پڑے ہم علی کے خاندان کے ہم نبی کے خاندان کے ہم ہیں عباسی دونوں نے مل کر کے ایرانیوں کی مدد سے بنو امیہ کے تختوں کو تاراج کر کے پھینک دیا 50 سالہ حکومت اس طرح نظر ہو گئی الفخر فی الاحساب التان فی الانساب کی وجہ سے اچھا تاریخ کا ایک دردناک ورق ہے ایک کالا ورق ہے بلیک پیج ہے وہ جو پڑھنے جیسا نہیں ہے جی تو 50 سالہ حکومت بنو امیہ کی علویوں اور عباسیوں نے مل کر ختم کر دیا ایرانیوں کی مدد سے اب یہ برسر اقتدار آگے کون عباسی علویوں نے دیکھا ہم علی کے خاندان کے عباسی آگے اب انہوں نے کیا کیا بغاوت کرنے کی کوشش کی ان کی بغاوت کو تشدد کے ذریعے ختم کر دیا گیا پورے کو پورے علوی تباہ کر دیے گئے اس طرح عباسیوں نے علویوں کو کچل کر کے رکھ دیا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایرانیوں کی مدد سے جن ایرانیوں کی مدد سے یہ لوگ برسر اقتدار آئے تھے انہی ایرانیوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور عباسی خلیفہ کو اتار پھینکا اور بغداد کو دیکھیے توسی اور القمی یہ دونوں کی خرافات کا نتیجہ ہے کہ بغداد کے اوپر چڑھائے تاتاری اور انہوں نے 1.6 کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا اللہ اکبر 1.6 کروڑ مسلمان تعداد دیکھیے آپ 1.6 کروڑ مسلمان تہ تہ کیے گئے اور آگے چلیے اسپین کے اندر 800 سال حکومت رہی ہے جانتے ہیں اس کے سقوط کی وجہ یہ بربر اور عرب یہ بربر چاہتے تھے ہم نے حصہ لیا باقاعدہ لڑے ہیں ہم تو ہم کو وہی حق دینا چاہیے جو عربوں کا حق ہونا چاہیے عربوں نے کہا تم جنگلی بربر جنگلی کہیں کا ہم ہیں تم ہو نتیجہ کیا ہوا اسپین سے 8 سالہ شاندار حکومت ختم ہو گئی اسی طریقے سے آگے بڑھئے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے پیچھے کون ہے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے پیچھے عرب اور ترک یہ دونوں ہیں اور یہ الفخر فی الاحساب اور التان فی الانساب کا نتیجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ریاست کے معاملے میں سیاست کے معاملے میں ہمارا رویہ کس طریقے سے ہونا چاہیے یہ پوری تاریخ تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا الاستسقاء بالنجوم گرتا ہوا تارا ٹوٹتا تارا فالنگ اسٹار ارے گرتا ہوا تارا کچھ مانگ لو پورا ہو جاتا یہ پورا ایک چینل چل رہا ہے یہ عقرب ادھر گیا تو وہ ادھر گیا تو سرطان ادھر گیا تو کینسر کس کو ہو گیا معلوم نہیں سبحان اللہ وبحمدہ جی الاستسقاء بالنجوم سب آ گئے جتنے بھی توہمات
तो कौन है जात जिसने मखलूक परस्ती के खिलाफ खुदा परस्ती का अलम बलन किया? कौन है वो जिसने एतकादियात के बाद में तवहुमात को खत्म करके तलाश हक और हकीकत की तरफ आमादा किया कि हकीकत लाओ, ये सारी की सारी तवहुमात में से है। तवहुमात वल इस्तिस्का बिन नुजूम, सितारों के जरिए पानी तलब करना, और वो वाकया हुदैबिया को तो आपको मालूम, वो नियाह रो रहे कौम पूरी की पूरी रो रही है हर साल, और रोने वालों के बारे में क्या कहा, नायाह कहा गया, ये नौहा मर्द नहीं करते, औरतें करती। बहुत प्यारा नुक्ता लेकर के जाओ, शायद कहीं नहीं मिले आपको। जी, नौहा का ताल्लुक औरतों से होता है, मर्दों से नहीं होता। वन्नायाह तो वन्नायाह है, नायहून कहीं नहीं है जी। ये बयान करना ये सब जो है औरतों का तरीका है। वन्नायाह तो इदा लम तत्व कब्ल मौतिह, अगर कोई अपने मुर्दों की खूबियां बयान करके रोने वाली, मरने से पहले तौबा ना करे, कयामत के दिन खड़ा हो जाए, खड़ा किया जाएगा उसको, क्या पहना दिया जाएगा उसको, तार कोल का पजामा और कुर्ता पहना दिया जाएगा, और खुजली की जीरा पहना दी जाएगी। देख खुजा, एक तो जीरा है, दूसरा खुजाएगा कैसे, वो खुजाएगी कैसे है, खुजाएगी कैसे वो, जीरा तो पहने हुए। वाले यहां सिरबाल मिन कतिरान और वदिरु मिन जरब, जरब मिन खुजली जी। अल्लाहु अकबर। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जो अबू मालिक अशरी से। बहुत सारी रिवायतें और भी हैं, 50 रिवायतें, जी कहते थे बोलते चले जाओ, और हर शोबे के अंदर देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हर असर के बारे में क्या। बस इसी पर बात खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا موجود مدبر مالک آخا شہنشاہ حاکم حقیقی رب اور معبود برحق ہے اسی نے ہم کو پیدا فرمایا और एक बेहतरीन मखलूक बनाया और अपनी पैदा करदा वसी व अरीज ज़मीन की खिलाफत का ताज हमारे सिरों पर रखा, खिलाफत अर्जी के फ़राइज़ को बहुत खूबी अंजाम देने के लिए हमको बेहतरीन सलाहियतों से मालामाल फरमाया और हक और बातिल में तमीज़ करने का शऊर दिया, वाज़ह तरीन रहनुमाई रहबरी और हिदायत के लिए अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया, किताबों को नाजिल फरमाया। आखिरी नबी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आखिरी किताब कुरान मजीद है। बेशुमार सलामतियाँ रहमतें बरकतें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनके ज़रिए से आलमगीर बुनियादों पर सारी आलम इंसानियत के लिए क़ियामत तक के लिए एक नहायत दर्जा कामिल तरीन और पाकिज़ा तरीन ज़ाब्ते हयात बशकल इस्लाम नसीब फरमाया गया। शह नशीन पर नौरंग अफरोज काबिल एहतराम उलमाए कराम मोहतरम मेहमानान और काबिल क़दर रुफ़खा और वो मुअज़्ज़ज़ सामईन वो काबिल सदक़दर नौजवानों वाजिब ताज़ीम माओं और बहनों और वो काबिल एहतराम दुख्तराने मिल्लत, मैं इस मौके पर आपको मैं कोई तकलीफ़ देना नहीं चाहता, 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को जो है ख़त्म कर रहा हूँ। आपके सामने इस हमारे इस अजीब इज्तिमा में मौलाना सनाउल्लाह साहब उमरी हफीज़हुल्लाह ने इस्लाम का पैगाम रहमत नहायत ही वजाहत के साथ पेश किया, उसके बाद मौलाना अरशद मदनी साहब अल मदनी हफीज़ुल्लाह ने इस्लाम के तालीमात को नज़रअंदाज करने के नतीजे में जो नुकसानात आलम इंसानियत को हो रहे हैं और हो सकते हैं उस पर बहुत ही तफसील से रोशनी डाली, और आखिर में हमारे मौलाना जलालुद्दीन साहब खातमी हफीज़ुल्लाह ने आपके सामने इस्लाम की अखलाकी तालीमात को बहुत ही वजाहत के साथ पेश किया। मैं आपके सामने बस एक चंद मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ही गौर से सुनिए। ऐ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम जिस अल्लाह के बंदे हैं वो हमारा जो है जो रब है और उसकी सिफात रहमान है, रहीम है, करीम है, रऊफ़ है, वदूद है, गफ्फार है।
और जिस जो किताब को हम अपना दस्तुरुल अमल मानते हैं कि और जिस किताब को हम किताबे हिदायत मानते हैं, यकीन करते हैं, वो किताब रहमत शफा वो रहमत है। वो नुनज्जिलु मिनल कुरान मा हुवा शफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यजीदुज जालिमीन खसारा। वही अल्लाह ताला है जिसने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया जो अहले ईमान के लिए फरमाबरदारों के लिए शफा है, रहमत है, हिदायत है, नूर है, नसीहत है, हिकमतों से पुर है, खैर से लबरेज है। और जिस नबी की हम उम्मत हैं वो रहमतुल आलमीन है। और हम खुद क्या हैं, अल्लाह जिक्र फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना लिल मुनकर व तुमेनूना मिला। अय मुसलमानों, तुम बेहतरीन लोग हो, तुम सारी दुनिया के लिए, सारी आलम इंसानियत के लिए निकाले गए हैं, बर्पा किए गए हैं, वजूद बख्शे गए हैं। और तुम्हारा काम क्या है, नेकी का हुक्म करना, बुराइयों से रुकना और अल्लाह पर जो है ईमान रखना, ये हमारा। अजीजा ने मोहतरम, मैं ये आपको इस मौके पर ये याद दिलाना अपनी जिम्मेदारी समझूंगा कि हमारी दावत एक आलमगीर बुनियादों पर है। देखिए कुरान की दावत क्या है, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ नौए इंसानी, तुम अपने परवरदिगार की जो इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, ताकि तुम अल्लाह के अजाबों से, नाराजगी से, गुस्से और गज़ब से बचें। और जो रसूल के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाता, या रसूलल्लाह कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए कि मैं सारे इंसानों की तरफ महबूब किया गया हूँ, भेजा गया हूँ रसूल बनाकर। तो सारी रसूलल्लाह सल्लम की इशारत आलमगीर बुनियादों पर है। और कुरान क्या है, हुदल लिन्नास, तमाम आलम इंसानियत के लिए हिदायत है। आलमगीर बुनियादों पर उसका भी जो है पैगाम रहमत है, पैगाम जो है हिदायत है, और पैगाम जो है नसीहत है। और उम्मत के ताल्लुक से अभी जैसा मैं अर्ज किया, हम सारे इंसानों के लिए निकाले गए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। अज़ीज़ाने मोहतरम, आखिर में ये बात सुनिए आप कि देखिए मैं आपके सामने सूरह इब्राहिम की एक आयत के हवाले से मैं एक बात रखते हुए अपनी बात को ख़त्म करूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है, अलम तरा कैफा ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन असलुहा साबितुन व फरहुहा फिस्समा तूती उकुलहा कुल्ला हिनिम बीजनी रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप देखे कि कलमे तैयबा की मिसाल एक उम्दा दरख्त किसी है जिसकी जड़ें जमीन में मजबूती से पैवस्त हैं, जमी हुई हैं, और उसकी शाखें आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं, और वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से हर आन रसीले मीठे फल दे रहा है, घना साया है, और उसको हसीन और जमील फूल लगे हुए हैं जो दिल नवाज हैं, नज़र नवाज हैं, जान नवाज हैं। ये देखिए कलमे तैयबा की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर जो अपनी ज़िंदगी की तामीर और तश्किल करता है, वो खुद भी अल्लाह की रहमतों और बरकतों से मुतमत्ते होते रहता है, और इंटायर माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए भी रहमत और बरकत बना हुआ रहता है। और ऐसे से चरिंद परिंद मवेशी इंसान सभी फायदा उठाते हैं, वो भी उठाते हैं। अय अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस तरह से अपने किरदार को पेश करो। मेरा आपसे सवाल है, खुद मुझसे पहले सवाल है कि क्या हमारा वजूद इस मिसाल के ऐन मुताबिक ऐन मिज़दाक है माशरे में, कि हम भी जो है अल्लाह की रहमतों से, बरकतों से मुतमत्ते हो रहे हैं और दूसरों को भी जो है इस तरह से मुतमत्ते कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। गौर कीजिए, इस सवाल का सही जवाब अपने जो है कौल और फेल से देने की कोशिश करिए। बस अब अजीज़ान मोहतरम, हमारी दावत जैसा कि आलमगीर दावत है, उठिए। ومن احسن خلا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين। उस शख्स की बात से बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए, खुद भी नेक अमल करे और कहे कि मैं फरमाबरदारों में से हूँ, तो एक खैर उम्मत की हैसियत से, उम्मत वस्त की हैसियत से, अल्लाह के मुंतखब करदा अफराद की जो है मिल्लत की हैसियत से हम आगे बढ़ें। और गुलशन आलम इंसानियत जो मुरझाया हुआ है, कुमलाया हुआ है,
उसको वही इलाही के नसीमे सुबह के झोंकों के जरिए तरोताजा और शिगिफ्ता और शादाब कर दीजिए। उठ के बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक और मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। बस मैं इन अल्फाज के साथ खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जिस पैगाम रहमत का हमील हमको बनाया है उसके सिलसिले में हम जो रोल अदा करना चाहिए उसकी हमको तौफीक नसीब फरमाए, और हम जब तक जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें, हमारा खातिमा इस्लाम पर हो। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, والحمد لله رب العالمين.